हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण, आपका डीएसएस कोच। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जहां पर मैं आप लोगों को कैमरे के बहुत सारे फीचर्स आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कलर कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ। ऑल्दो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मुझे सीरीज को कंटिन्यू रखना है और इसमें हर वो फीचर्स कवर करना है। इसी वजह से हमें इसके बारे में भी आज डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सभी जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारी सीरीज को वॉच कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा वेरीफोकल का कैमरा, जो हमारा फीचर होता है, उसके बारे में अगर आपने नहीं जाना तो वो जाकर देख लीजिए। आई बटन में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। इवन आपको वेंडल प्रूफ के बारे में देखना है तो वहां पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। BLC, HLC, WDR क्या होता है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्या होता है हमारा कलर कैमरा। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम कलर कैमरा की बात करेंगे, देखिए कैमरे को कोई कलर नहीं दिया गया। कलर कैमरा का मतलब क्या होता है, नॉर्मली दिन के समय पर आपको एक कलर व्यू मिलता है, कलर फुटेज मिलता है। ऑलराइट, लेकिन आज से कुछ साल पहले जितने भी हमारे पास कैमरे आते थे, ये सारे कैमरे हमारे इंफ्रारेड वाले कैमरे होते थे। ये जो इंफ्रारेड वाले कैमरे होते थे, इनके अंदर होता क्या था कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमें मिलता था रात के समय पर। अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो हमें रात के समय पर मिलता था, उनमें हमें उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल पाता था। हम ऑब्जेक्ट को, सस्पेक्ट को नहीं समझ पाते थे कि वो कौन है, क्या कर रहा है। लेकिन अब हमारे कलर जो कैमरे हमारे आने लग गए हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ये कैमरे के बदौलत हमें दिन के समय पर तो जो कलर व्यू मिल रहा है एज यूजुअल, वो तो मिलता ही है। लेकिन अब ड्रास्टिक चेंज क्या हुआ कि रात के समय पर भी आपको 100% कलर व्यू मिल रहा है, यानी कि 24x7 आपको कलर फुटेज मिलेगा। ऑलराइट, अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि देखो आज जितने भी आप कलर वाले कैमरे देखोगे तो उन सारे कलर कैमरों की अपनी एक सीरीज बनाई गई है। जैसे अगर हम कलर कैमरे की बात करेंगे तो हमारे दउवा की ब्रांड, ठीक है, अगर हम दउवा ब्रांड की बात करते तो हमारा दउवा जो है वो फुल कलर कैमरा के नाम से ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपना सीरीज लॉन्च किया हुआ है। यानी कि दउवा के वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो उनमें आप देखोगे कि फुल कलर के सीरीज में वापस सारे कलर कैमरे होंगे। ऑलराइट, हिकविजन ने कलर सीरीज को नाम दिया गया है कलर VU। इस तरीके का आप देखोगे कहीं पर, अगर सीरीज के ऊपर लिखा होगा कलर VU, यानी कि VU सीरीज, तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपका ये कलर कैमरा है। ऑलराइट, और अगर हम CP प्लस की बात करेंगे तो इस तरीके से आपका गार्ड सीरीज करके पूरा एक सीरीज बनाया गया, जहां पर कलर के हर वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जितने भी कलर कैमरे के जो प्रोडक्ट है, इनके जो प्राइस रेंज है वो नॉर्मली महंगे होते हैं एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल जो IR डोम या IR बुलेट कैमरे आपके होते हैं, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज आपको देखने को मिलता है जो नॉर्मल इंफ्रारेड कैमरों के अंदर। आप कलर कैमरा लेने जाओगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा, नॉर्मली अगर आप देखोगे कलर कैमरे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज हर एक टाइप ऑफ कैमरे के अंदर आपको ये कलर फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे कलर कैमरे को, नॉर्मली आपको ऐसे पहचानना है, यहां पर जो आपको LED मिल रहा है, ये देखिए यहां पर जो आपको LED मिल रहा है, ठीक है, ये वार्म LED होता है, यानी कि इसमें से व्हाइट लाइट फ्लैश होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसकी जो लाइट का जो लक्स रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका जो इंफ्रारेड LED होता है, उसमें से जो लाइट एमिट होता है वो काफी, उसका जो इल्यूमिनेशन रेट होता है, उसका जो लक्स रेट होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो व्हाइट लाइट होता है, इससे आपके रूम में भी आपको ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा उजाला हो गया, काफी ज्यादा जो है रोशनी है। तो ये जो रोशनी है, इसी रोशनी को लेकर हम कलर इमेज प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपके लो लाइट कंडीशन में अगर हमारे पास में सफिशियंट रोशनी नहीं है तो हमें कलर इमेज प्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से हम वहां पर इंफ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो रोशनी होती है, ये दूसरे प्रकार की रोशनी, इसको विजिबल लाइट में आता है ये। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे उसमें विजिबल लाइट में आता है, और वही अगर आप इंफ्रारेड देखोगे तो इंफ्रारेड एक डिफरेंट प्रकार का रेडिएशन है, डिफरेंट प्रकार का लाइट है। ऑलराइट, तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, अगर आप देखोगे इंफ्रारेड में फायदा क्या है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने IR कैमरे लगाए तो उनमें जो फुटेज आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस पर, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि यस वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, यानी कि विजिबल लाइट में एक डिमेरिट क्या है आप कह सकते हो कि अगर ज्यादा दूर पर
कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे आप ज्यादा सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, ज्यादा दूर तक आपका जो है लाइट एमिट नहीं हो पाता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, कैमरों के अंदर 2-3 LED लगाते हैं, ठीक है, या तो फिर आप कह सकते हो जैसे फ्लड लाइट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से बड़े बड़े लाइटिंग सिस्टम्स लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि दूर तक रोशनी जा पाता है और हमारा इमेज जो है वहां पर अपीयर हो पाता है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा PTZ कैमरा है, ठीक है, ये जो PTZ कैमरा है एग्विजन के अंदर है, टेंडम सीरीज में जाओगे VU सीरीज उसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये जो सीरीज है इसमें भी आप देखोगे PTZ में काफी सारे LEDs लगाई हुए है ना, तो ये सारे जो LEDs लगाई हुई है, ये हमारा क्या है, कलर कैमरा है, ठीक है। तो PTZ में भी कलर आने लग गया, आपके डोम में कलर आने लग गया, आपके वायरलेस कैमरों के अंदर भी आपका कलर आने लग गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे हमारे बुलेट कैमरे के अंदर, तो इसके अंदर भी कलर का फीचर आने लग गया। मतलब अब ये जो कलर फीचर है ये सब में आपको मिल सकता है। ऑलराइट, और अब ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर ड्रास्टिकली चेंज ला रहा है, मतलब आज जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं अब सब कलर, लोगों के हर एक का डिमांड भी जो है वो अब सब कलर ही हो रहा है। यानी कि दिन में तो आपको कलर व्यू मिल रहा है, अब रात में भी आपको कलर व्यू मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि हमें कोई भी सस्पेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसानी हो रही है। ऑलराइट, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कलर कैमरे के अंदर, तो एक छोटी सी चीज है जो आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप सिंगल LED देखोगे, किसी के अंदर सिंगल LED है, किसी के अंदर डबल LED है, यहां पर आप देखो डबल LED है, किसी के अंदर मल्टीपल LED है। अब LED पे नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे LED भी हो सकते हैं। सिंगल LED है, इसका मतलब हो सकता है ये 20 मीटर तक, 25 मीटर तक आपका ये जो इल्यूमिनेशन जो होता है व्हाइट लाइट LED का, जो 20-25 मीटर तक आपको एक क्लियर इमेज आपको देखने को मिलेगा नाइट के टाइम पे। ऑलराइट, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डुअल LED का, तो ये कैमरे 40 मीटर 50 मीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां तक का आपको जो है इल्यूमिनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। वही मल्टी LED देखोगे तो 50-60 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग रेंज वाले कैमरे आते हैं उनमें आपको ज्यादा LED देखने को मिलेंगे, जो शॉर्ट रेंज वाले कैमरे होते हैं उनमें ज्यादा LED आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आया। बस यही फर्क होता है आपके डुअल और मल्टी LED वाले में, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, दैट इज यहां पर आप फुटेज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए कलर कैमरे में क्या होता है, रात के समय पे भी आपको कलर इमेज मिल रहा है, एक अच्छा बेहतरीन इमेज आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको इजीली पता चल जाता है कि ये सस्पेक्ट कौन है, ये व्यक्ति कौन है, और आपको ऐसा लगता है कि यार अभी भी दिन है, ऐसे लगता है, राइट। लेकिन एक्चुअली में नहीं है, वहां पर कलर कैमरे का जो है ये कमाल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। वही इमेज अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो वहां पर देखो कैसा इमेज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वही चीज अगर आप कलर में देखोगे तो यहाँ पर देखो कैसे मिल रहा है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो, राइट, जिसे बहुत अच्छी तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो आज ये हमारा जो इमेज क्वालिटी है, हमारा जो कलर का एनहांसमेंट है, ठीक है, ये काफी अच्छा हो चुका है, बेहतर हो चुका है इस कलर कैमरा के आने की वजह से। ऑलराइट, अब इसके अंदर देखोगे तो एक फीचर है जो आप कई बार कलर कैमरों के अंदर देखोगे, ज्यादातर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा। अब ये स्मार्ट यानी कि डुअल लाइट तो दिया हुआ है, लेकिन ये स्मार्ट क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर आपने इस सीरीज का कैमरा लिया, यानी कि इस मॉडल का अगर आपने कैमरा लिया, तो क्या होगा, नॉर्मली ये एक इंटेलिजेंट फीचर है, यानी कि स्मार्ट फीचर है। अब ये जो स्मार्ट फीचर है, ये फीचर किसी भी कैमरे के अंदर अगर दिया गया, एक्चुअली में ये जो नाम है ये दवा के प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। हिकविजन में इसको कहा जाता है स्मार्ट हाइब्रिड लाइट कैमरा। हिकविजन में इसको क्या नाम दिया गया, स्मार्ट हाइब्रिड लाइट कैमरा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों फीचर कॉमन है, बस नाम अलग है। होता क्या है, आपको अगर इस कैमरे को, यानी कि स्मार्ट डुअल लाइट वाले कैमरे अगर आप लेते हो, इस कैमरे को अगर आपको नाइट विजन में चलाना है, यानी कि नाइट विजन में ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे सेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऑल टाइम कलर पे सेट करना है, तो ऑल टाइम कलर पे सेट कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हो। ऑटो पे यानी कि क्या, अगर मैंने इसको ऑटो पे रख दिया तो ये स्मार्ट फीचर एनेबल कर सकते हो आप, जिससे कि क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये स्विच होगा मोशन के हिसाब से, यानी कि जब भी आप कोई व्यक्ति कैमरे के सामने आएगा उस समय पर कलर भी हो जाएगा, जैसे ही वो व्यक्ति वहां से पास ऑन हो गया वो कैमरा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आउटडोर प्रीमाइसिस के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑल टाइम वहां पर आपको रोशनी नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल टाइम पे आपका जो है ब्लैक एंड व्हाइट वहां पर आपको मिलेगा विथ इंफ्रारेड, ठीक है, IR LEDs लगे होते हैं, और
जब आपका एक्चुअल वहां पर मोशन होगा तो उस मोशन के समय पर क्या होगा, वो वार्म लाइट वहां पर जलेगा ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे काम करता है, वो आपके इस कैमरों के अंदर स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा जब आप लेते हो तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, वही सेम चीज आपके हिकविजन के अंदर भी है। यहां पर देखो लिखा हुआ है IR व्हाइट लाइट, यानी कि आपका जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपका व्हाइट लाइट हो जाएगा, जैसे व्यक्ति पास ऑन हो जाएगा वहां से तो आपका इंफ्रारेड में जो है वो वापस से चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वहां पर डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता है। जैसे आपका कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके ऑफिस के अंदर आ रहा है, जैसे ही आपके ऑफिस के अंदर प्रीमाइसिस के अंदर एंटर कर रहा है उसी समय पे क्या होगा, आपका कलर भी हो जाएगा नॉर्मल, टाइम पे आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ऑलराइट, अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे नॉर्मली कलर कैमरा और स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा, ठीक है, इनको पहचानना कैसे, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये कैमरा को आप देख लो कैसा दिख रहा है, इसमें एक ही LED दी हुई है, दिखने में डोम कैमरा की तरह है, ठीक है, टूरेट कैमरा, डोम कैमरा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी दिखने में सेम है, एक सिंगल LED है। आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर स्मार्ट डुअल लाइट फीचर है या नहीं है या नॉर्मल कलर है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट दो तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है, कलर कैमरे के अंदर प्रोडक्ट दो तरीके से मिलेगा। एक होगा आपका कलर कैमरा यानी कि ऑल टाइम कलर, ठीक है, यानी कि दिन में कलर दिख रहा है, रात में भी आपको कलर मिलेगा, इसको आप स्विचिंग नहीं कर सकते, स्मार्ट फीचर्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको स्मार्ट फीचर यूज करना है तो आपको देख कर लेना पड़ेगा, बोल कर लेना पड़ेगा। नॉर्मली थोड़े दिन में इंडस्ट्री में सब कॉमन हो जाएगा, अभी फिलहाल बोलना पड़ रहा है, आगे सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए आपको इस कैमरों के डेटा शीट मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखिए यहां पर आप देखोगे तो कलर कैमरे के अंदर यहां पर लिखा हुआ फुल कलर HD CVI आईबॉल कैमरा, ठीक है। अब दवा ने आईबॉल नाम रखा है, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ अ टूरेट कैमरा। तो ये जो कैमरा होता है नॉर्मली 20 मीटर इल्यूमिनेशन डिस्टेंस इसका लिखा हुआ 24x7 कलर इमेजिंग, यानी कि 24 घंटे सातों दिन जो है आपको कलर इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल कलर कैमरा, इसमें कहीं पर भी डुअल का फीचर नहीं लिखा गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे इसके अंदर लिखा हुआ है 2MP यानी कि इसका मेगापिक्सल है स्मार्ट डुअल लाइट, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो यहां पर स्मार्ट डुअल लाइट HD CVI फिक्स बुलेट कैमरा, यानी कि अब टाइप कोई भी होने दो लेकिन यहां पर स्मार्ट डुअल लाइट लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर डुअल परफॉर्मेंस है, यानी कि जैसे ही मोशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलर व्यू में हो जाएगा, नॉर्मल टाइम पे वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे डेटा शीट डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या फीचर है। ऑलराइट, तो कैमरा कई बार देखकर आप नहीं बता पाओ लेकिन डेटा शीट जरूर पढ़ के आप समझ पाओगे। ऑलराइट, अब रही बात इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा राइट, कि सर इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे और इसकी सेटिंग्स को हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं सेटिंग चेंज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे हम चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। पहला देखिए, अगर आपके पास में IP कैमरा है या तो आपके पास में एनालॉग HD कैमरा है, ठीक है, आपके पास में चाहे HD कैमरा है चाहे आपके पास में IP कैमरा है, डज नॉट मैटर, अगर उसके अंदर कलर का फीचर है, स्मार्ट डुअल लाइट का फीचर है, तो उस समय पर आप क्या करोगे, उस समय पर आपके पास तीन तरीका है उसको एनेबल करने का। पहला है आप एप्लीकेशन से कर लो, ठीक है, एप्लीकेशन से कर लो, IP कैमरे में ऐप से कर सकते हो, या तो फिर तीसरा जो तरीका है हमारे पास में दैट इज OHD मेन्यू से आप कर सकते हो। जैसे आपके जो HD कैमरे होंगे उसका आप OHD, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पर व्यूअर हो तो आपको पता होगा OHD मेन्यू क्या होता है। आप OHD मेन्यू से आप जो है इस चीज को शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि अगर स्मार्ट इल्यूमिनेशन पे रखना है तो आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन पे रख दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए स्मार्ट इल्यूमिनेशन पे रखना है तो आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन पे रख दीजिए, वार्म लाइट मोड पे रखना है तो वार्म लाइट मोड पर रखिए, IR मोड पर रखना है आप IR मोड पर रख सकते हो। तो जैसे ही आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन पर रखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका स्विच होगा। तो इस तरीके से आपको दिया गया और इसको तीन तरीके से आप जो है इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। कुछ तरीके एनालॉग HD में नहीं काम करेंगे लेकिन नॉर्मली IP कैमरे के अंदर आप ये तरीकों को यूज कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो ऐप से करना चाहते हो ऐप से कर लो। पहला मैंने बताया आपको ऐप से, दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर HD कैमरा है तो आप OHD मेन्यू से भी आपको कई बार ये सेटिंग देखने को मिल जाता है कुछ ब्रांड के अंदर। तीसरा जो होता है आप इसको NVR, आप इसको DVR से भी कर सकते हो कंट्रोल, इसको चेंज कर सकते हो मोड को। फिर फोर्थ आपको जो आता है डेट इज वेब एक्सिस, यानी कि अगर आपके पास में IP कैमरा होगा तो आप वेब प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो डायरेक्टली।
प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जहां से आप इसको कर सकते हो। मेरा काम था आप लोगों को फीचर्स के बारे में बताना। ऑलराइट, अब आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोगों ने, ठीक है, मेरा वेनेसडे हैकेथॉन का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एवरी वेनेसडे मैं मिलता हूँ, ठीक है, और वहां पर मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ नई चीजें, नई सॉल्यूशंस के बारे में वहां पर डिस्कशन होता है, वहां पर आपको समझाया जाता है। ज्यादा नहीं, मात्र 49 रुपीज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम की सुविधा होती है। लाइफ टाइम जब जब हम वेनेसडे आते हैं तब तब हम लोगों को मिलते हैं, वहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें, वहां पर मीटिंग में आपसे Q&A वगैरह किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इस वेनेसडे हैकेथॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, अंटिल आई मीट यू अगेन, सी यू।